अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं एक बार वेट कीजिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं हमें अर्चना रश्मि विल स्टार्ट इन ए वाइल विल स्टोटी फाइव विल स्टार्ट इट एट टेन फोर्टी फाइव तब तक वेट करते हैं बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे हमें ज्वाइन कर लेंगे फिर हमें स्टार्ट करते हैं गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वॉइस आ रही है ना आप सबको बिकॉज इट इज फर्स्ट टाइम आई एम लाइव ओके अर्चना पाल गुड मॉर्निंग सर यस सर यू आर ऑडिबल ओके थोड़ा सा वेट करो बस फिर स्टार्ट करते हैं ताकि सारे स्टूडेंट्स आ जाए साथ के साथ में फिर चलिए स्टार्ट करें हाँ जी कैसे चल रही है आप सबकी कंप्यूटर की, की प्रिपरेशन एमपीजीएस वाले स्टूडेंट्स आपकी कैसे चल रही है कंप्यूटर की प्रिपरेशन क्या हुआ सब नींदों में हो गया कोई कमेंट वगैरह कुछ नहीं कर रहा चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की जो क्लास है आपकी कम अर्चना पाल सर कंप्यूटर कुछ समझ नहीं आता देखिए कंप्यूटर समझना हमारा सब्जेक्ट नहीं है हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने हैं और जो बेसिक कंप्यूटर है वो जरूरी है आपको पता होना चाहिए क्योंकि एमपीजीएस में बेसिक पूछा जाता है ये आज की वीडियो हमारी कंप्यूटर सीरीज जो कि पार्ट सिक्स है यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा अटेम्प्ट करने की साथ के साथ में आंसर करने की हर एक क्वेश्चन का ताकि आपको भी पता लगे आप मतलब कितना कंप्यूटर आपको आ रहा है कितना नहीं आ रहा तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से जो है हमारा देखिए डैश इज वेन कंप्यूटर इज टर्न ऑन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज लॉडिंग लोडिंग इनिशिएटिंग स्पूफिंग बूटिंग करेक्ट आंसर बताइए मुझे इसका हां जी करेक्ट आंसर बताइए कमेंट करके आप लोग बोलिए एटलीस्ट गैस तो कीजिए कमल बोल रहे बूटिंग सर जी शिवम बिल्लो बूटिंग हां जी अर्चना पाल आप बताइए क्या इसका आंसर करेक्ट आंसर अटेम्प्ट कीजिए देखिए अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती अटैम्प्ट कीजिए अटेम्प्ट करोगे तभी सीखोगे देखिए तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी बूटिंग जब भी आप कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं तो इसका जो प्रोसेस होता है वो बूटिंग होता है यहां पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी ऐड की है शिवानी का बिल्कुल सही है बूटिंग एक्सप्लेनेशन क्या कहती है देखिए बुटिंग इज ए प्रोसेस और सेट ऑफ ऑपरेशन डेट लोड्स एंडहेंस स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट वन यूजर स्विच इज ऑन द पावर बटन तो फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए हमारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपीजेएस के लिए Which of the following keys is used to delete characters to the left of the cursor? Option A delete, backspace, shift, alt plus delete, none of these. जब भी आप MS Word में काम करते हो तो जो left side में जो key होती है cursor के वो कौन सी की होती है किससे हम delete कर पाते हैं शिवानी का है बैक स्पेस कमल सांगवान बैक स्पेस जी बाकी eight. बाकी बताइए क्या है आपका आंसर क्या है दिव्या महाजन बैक स्पेस चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है बैक स्पेस इज द राइट आंसर कि बैक स्पेस जो की होती है उसको यूज किया जाता है डिलीट करने के लिए जो आपके कर्सर के लेफ्ट साइड में जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको डिलीट करने के लिए एक्सप्लेनेशन में भी यहां पे ऐड किया गया है बैक स्पेस इज द द द ट्रेडिशनल नेम ऑफ की डिलीट्स कैरेक्टर टू द द लेफ्ट ऑफ कर्सर देखिए आप इसमें अपने आप को जज भी कर सकते हो कि कितना आपको कंप्यूटर आ रहा है कितने क्वेश्चन आप प्रॉपरली अटेम्प्ट कर पा रहे हो और जो यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो एमपीजीएस के लेवल के ही क्वेश्चन है ना ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हम यहाँ पे आपसे पुट कर रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो और आपके एग्जाम में भी आपको यूजफुल रहे नेक्स्ट देखिए विच आउटपुट डिवाइस इज यूज फॉर ट्रांसलेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर इन टू पिक्टोरियल फॉर्म ऑन पेपर प्लॉटर मॉनिटर माउस कार्ड पंच नन ऑफ दिस सबका सही होना चाहिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है Option से ही आप इसको करेक्ट कर सकते हो देखिए सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है है इन्होंने ऐसा कौन सा आउटपुट डिवाइस जिसको हम यूज करते हैं कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेके पिक्टोरियल वे में प्रिंट करने के लिए आप कह सकते हो पिक्टोरियल वे में उसको निकालने के लिए पिक्टोरियल्स इन ए पिक्चर देखिए हाँ जी कमेंट करके बताइए कोई बता है मुझे इसका करेक्ट आंसर न ऑफ दीज कमल ने कहा नन ऑफ दीज दिव्या प्लॉटर शिवानी प्लॉटर एग्जैक्टली exactly. इसका जो करेक्ट आंसर है प्लॉटर है क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन में मॉनिटर मॉनिटर स्क्रीन का काम करता है बेसिकली अनिल शर्मा बिल्कुल प्लॉटर सही है आपका माउस माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है आउटपुट नहीं है कार्ड पंच भी नहीं है यहां पर और जो प्लॉटर है वो प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसलेट करके एक पिक्टोरियल फॉर्म में निकालता है ऑन पेपर यहां पे एक्सप्लेनेशन मैं रीड आउट कर देता हूं द प्लॉटर इज ए कंप्यूटर प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स इन द पास प्लॉटर्स विकेशन सच एस कंप्यूटर एडिड डिजाइन दाउ दे हैव जर्नली बीन रिप्लेस विद वाइड फॉर्मेट कन्वेंशनल प्रिंटर्स ए प्लॉटर गिव्स ए हार्ड कॉपी ऑफ द आउटपुट इट ड्रॉज पिक्चर्स ऑन ए पेपर यूजिंग ए पेन प्लॉटर्स आर यूज टू प्रिंट डिजाइन ऑफ शिप्स एंड मशीन्स प्लांट्स फॉर बिल्डिंग्स एंड सो ऑन तो कमल आपका आंसर बिल्कुल गलत था ये नन ऑफ दिस बाकी दिव्या शिवानी एंड अनिल आपका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारा डैश इंप्लाइज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो वीडियो टेक्स्ट एनिमेशन एंड ग्राफिक्स ऑप्शन है आपके मल्टीमीडिया मल्टीप्लायर मल्टीप्लेक्सर स्पेशल मीडिया नन ऑफ दीज हां जी कमेंट कीजिए बिल्कुल शिवानी का कमेंट आ चुका है कमल ने भी कर दिया आंसर हां जी अनिल बिल्कुल अनिल ने भी कमेंट किया मल्टीमीडिया सर दिव्या का भी मल्टीमीडिया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका मल्टीमीडिया क्योंकि कॉम्बिनेशन की बात हो रही है यहां पे सौम्याजीत प्रधान मल्टीमीडिया मीडिया exactly, एग्जैक्टली बिल्कुल सही आंसर है आपका क्योंकि कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं ऑडियो वीडियो टेक्स्ट एनिमेशन ग्राफिक्स के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं मल्टीमीडिया एज द नेम मल्टी मल्टीमीडिया इज द इंटीग्रेशन ऑफ मल्टी फॉर्म्स ऑफ मीडिया दिस इंक्लूड्स टेक्स्ट ग्राफिक्स एनिमेशन ऑडियो एंड वीडियो एक्सेट्रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ये सबका बिल्कुल सही था नेक्स्ट देखिए ए स्टोर्ड लिंक टू ए वेब पेज इन ऑर्डर टू हैव ए क्विक एंड ईजी एक्सेस टू हैव ए क्विक एंड ईजी एक्सेस टू हैव इट लेटर इज कॉल्ड फील्ड बुकमार्क डब्ल्यू पी लिंक ऑल ऑफ दबव नन ऑफ दीज सौम्याजीत ने कमेंट किया है बुकमार्क अनिल बुकमार्क कमल बुकमार्क दिव्या ने भी बुकमार्क बिल्कुल बिल्कुल exactly, एग्जैक्टली आप सबका बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि इजी आंसर था वेब पेज के ऊपर आप बुकमार्क जैसे हम कभी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं उसके अंदर भी एक बुकमार्क कर देते हैं वैसे ही आप वेब पेज पे भी बुकमार्क कर देते हो ताकि हम इजीली उसको बाद में एक्सेस कर सकें तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी एंड एक बु मार्क क्या होता है आपका बेसिकली इज ए यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर या आप लोकेटर कह सकते हो यू इसको दैट इज स्टोर्ड फॉर लेटर रिट्रीवल इन एनी ऑफ दॉर्मैट्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए विच अमंग दॉलोइंग इज रिकॉर्डेड एज इंटरनल मेमरी मदरबोर्ड हार्ड डिस्क पेन ड्राइव रैम नन ऑफ दीज हां जी बताइए आंसर क्या है इसका सौम्याजीत प्रधान रैम अनिल रैम कमल रैम चलिए रैम की फुल फॉर्म भी मुझे कमेंट करके बताइए फटाफट शिवानी रैम बिल्कुल एग्जैक्टली रैम की फुल फॉर्म बताइए फटाफट क्या होती है रैम एंड रोम की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी एमपीजेस में पूछा जा सकता है आपसे चलिए रैंडम एक्सेस मेमोरी करेक्ट आंसर देखिए आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल डी है रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी रविचंद बिल्कुल 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 देखिए ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर इंटरनल मेमोरी टिपिकली रेफर्स टू ए मेन मेमोरी जो मेन मेमोरी होती है वो आपकी रैम होती है एंड बट मे ऑल्सो रेफर टू रोम को भी हम इसको कभी कभी एक इंटरनल मेमोरी के तौर पे यूज कर लेते हैं एंड फ्लैश मेमोरी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है विच अमंग फॉलोइंग डू यू यूज टू चेंज मार्जिन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एमएस वर्ड में आपने काम किया होगा अगर आपने कभी कोर्ट में प्रैक्टिस किया बेल एप्लीकेशन वगैरह ड्राफ्टिंग का कभी आपने काम किया होगा तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन्होंने यहां पूछा गया है विच अमंग दॉलोइंग डू यू यूज टू चेंज मार्जिन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑप्शन फोन डायलॉग बॉक्स पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स स्टैंडर्ड टूल बार पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स नन ऑफ दिस ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मे बी जब आप जज बन जाओगे तब भी आपको रवि चंद ने कमेंट किया है डी नन ऑफ दिस नन ऑफ दिस तो नहीं हो सकता रवि जी आपका डाउट है मुझे कि आपका आंसर सही है या गलत है आई थिंक आपका आंसर सही नहीं है एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए अनिल शर्मा कह रहे हैं सी पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स जी बाकी का क्या ख्याल है इस क्वेश्चन के बारे में इसका आंसर क्या बताएंगे आप दिव्या महाजन टूल बार दिव्या महाजन का आंसर आया टूल बार शिवानी सौम्यजीत प्रधान आप क्या कहना चाहेंगे इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में कमल आपका क्या आंसर रहेगा चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो आपके पास लैपटॉप है कंप्यूटर है आप एमएस वर्ड ओपन कीजिए वहां पे आप क्लिक कीजिए पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के ऊपर वहां पे आपको मिलेगा चेंज मार्जिन चेंज करने का सर फाइव ऑप्शन है सो आई थिंक अच्छा नहीं रविचंद ऐसा नहीं होता फाइव ऑप्शन है तो आप मतलब गैस करो गैस करना वहाँ करना चाहिए जहाँ आपको बिल्कुल भी ना पता हो थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हो क्योंकि मार्जिन किस चीज की होती है एक पेज की मार्जिन होती है है ना चलिए तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स दी पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स इज यूजली अवेलेबल फ्रॉम द फाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स अनेबल यू डिफाइन ऑप्शन सच एस गटर एंड हेडर्स एंड footers पोजिशन तो so ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिकली क्योंकि एमपीजीएस में काफी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे जो प्रैक्टिकली होते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज दॉर्टकट फॉर बुक मार्किंग द करंट वेबसाइट इन इंटरनेट एक्सप्लोर कंट्रोल प्लस ओ कंट्रोल एच कंट्रोल डी कंट्रोल जे नन ऑफ दीज अभी जैसे आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो इसको अगर आप बुक मार्क करना चाहते हो तो आप कौन सी शॉर्ट कमांड यूज करोगे डायरेक्टली अपने की से ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकली आपसे पूछा जाएगा एमपीजेस के अंदर हाँ जी क्या आंसर रहेगा आप सबका इसके रिगार्डिंग चलिए यूज करके देख लो अगर लैपटॉप में आपने यूट्यूब ओपन कर रखी एक बार सारे यूज करके देख लीजिए चलिए मैं क्लियर कर देता हूं कंट्रोल प्लस डी अगर आप अपने लैपटॉप में दबाएंगे कंट्रोल के साथ में डी तो ये जो आपका यूट्यूब चैनल है नो आइडिया अनिल अनिल शर्मा कह रहे हैं नो आइडिया अनिल अगर आप लैपटॉप में यूट्यूब देख रहे हो या डेस्कटॉप में देख रहे हो तो अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस डी प्रेस कीजिए आपको बुक मार्क का ऑप्शन मिल जाएगा शिवानी बिल्कुल सही है कंट्रोल डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दिव्या आपका भी करेक्ट आंसर है देखिए जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं वो काफी पूछे जाते हैं एमपीजेएस में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको काफी क्वेश्चन मिलेंगे तो ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो मतलब डे टू डे लाइफ में यूज किया जाता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हाँ जी अनिल शर्मा जी इसको यूज करके देखिएगा अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस डी बुकमार्क होता है या नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इन टू योर कंप्यूटर कॉल्ड रैम सी डी रोम रोम none नन ऑफ दीज ये तो सही होना चाहिए किसी का गलत नहीं होना चाहिए परमानेंट मेमरी की बात हो रही है यहां पे। हाँ जी बताइए कमेंट कीजिए प्राकुर वत्स रैम प्राकुर वत्स ने कहा है, रैम बाकी क्या कहना चाहेंगे शिवानी भी कह रही है रैम दिव्या भी रैम कह रही है चलिए आदित्य यादव सीपीयू उत्तरा सिंह रोम अब तो काफी डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं बच्चों के कोई रैम कह रहा है कोई सीपीयू कह रहा है कोई रोम कह रहा है चलिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी रोम रीड ऑनली मेमोरी इज ए टाइप ऑफ स्टोरेज मीडियम डेट परमानेंटली स्टोर्स डाटा देखिए परमानेंट मेमोरी की बात हो रही थी तो रोम इज दी करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर नहीं है आपका रोम आपका करेक्ट आंसर होगा जो कि आपके पर्सनल कंप्यूटर्स के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर एक परमानेंटली स्टोरेज का काम करता है रोम आशीष गुप्ता ने तो मैसेज ही शायद डिलीट कर दिया उन्होंने चलिए कोई बात नहीं सीखेंगे हम धीरे धीरे कंप्यूटर है हमें नहीं आता हमारा सब्जेक्ट नहीं है बट विल ट्राई टू मेक इट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच ऑफ फॉलोइंग मेन्यूज इन एम एस वर्ड टाइटल मेन्यू 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 एडिट फॉर्मेट टूल्स ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपीजीएस के लिए जो रिप्लेस ऑप्शन होता कि एक तो आप फाइंड करते हो किसी भी वर्ड को उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर एक एक वर्ड को रिप्लेस करना है आप किसी दूसरे वर्ड की जगह तो वो ऑप्शन आपको कहां मिलता है एमएस वर्ड के अंदर अनिल शर्मा का आंसर है डी अनिल शर्मा अनिल आपको क्वेश्चन समझ में आया क्वेश्चन में क्या पूछा गया है मीशा गौतम टूल्स कुमद शर्मा डी नन ऑफ दीज क्यों बोल रहे हो यार क्वेश्चन समझ भी है, एक बार क्वेश्चन समझिए उत्तरा सिंह डी नन ऑफ दीज अनिल शर्मा जी सर आया क्वेश्चन समझ में तो रिप्लेस ऑप्शन कहां पे होता है रविचंद टूल्स हाँ जी देखिए करेक्ट आंसर इसका है आपका बी एडिट मेन्यू में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा ये किसी का भी सही नहीं है ये आंसर सबने गलत आंसर दिया इसका अगर आप एमएस वर्ड एमएस वर्ड का पता है ना आप सबको आई होप आप सबको पता हो बट हम लॉ स्टूडेंट नहीं है काफी सारे ऐसे बच्चे जिनको नहीं पता होगा एमएस वर्ड क्या होता है देखिए एमएस वर्ड के अंदर अगर आप जाएंगे और वहां पे एडिट मेन्यू में जाएंगे तो वहां पे आपको एक रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा तो करेक्ट आंसर है है एडिट मेन्यू ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एमपी जिसमें पूछे जाते हैं नेक्स्ट आइए द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ ए कंप्यूटर प्रॉब्लम इज नॉन एज फिशिंग फ्रॉम वेयर ट्रबल शूट नन ऑफ दिस सबका सही होना चाहिए ये गलत नहीं होना चाहिए बड़ा बेसिक आंसर है अनिल शर्मा हर एक क्वेश्चन का डी 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 अनिल हमेशा डी कह रहे हैं हर एक क्वेश्चन का डी ए डी देखिए डी ए डी मत कीजिए कंफ्यूजन हो जाता है यहां पे आप डायरेक्टली आंसर लिख दीजिए छोटा सा आंसर लिख दीजिए ट्रबल शूट जैसे कमल और शिवानी ने कमेंट किया ट्रबल शूट ऐसे इजी रहता है हमें भी समझने में बिल्कुल मिशा गौतम प्लीज कंप्लीट आप कमेंट कीजिए आप कंप्लीट नहीं लिख पा रहे तो थो, थोड़ा स्टार्टिंग का लिखिए एबीसीडी मत लिखिए पंकुर वत्स अंकित शर्मा ट्रबल शूट ट्रबल शूट बिल्कुल एग्जैक्टली इसका करेक्ट आंसर है आपका ट्रबल शूट कई बार ये हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ जाती है आशीष गुप्ता पिशिंग पिशिंग करेक्ट आंसर नहीं है बच्चे ट्रबल शूट कभी भी आपके कंप्यूटर में एरर एरर आता है तो आप उसको ट्रबल शूट करते हैं उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं एंड ट्रबल शूटिंग इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट इज ऑफन यूज टू फाइंड एंड करेक्ट इश्यूज विद कॉम्प्लेक्स मशीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स तो बेसिकली कई बार आपने देखा होगा आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को ट्रबल शूट कर लेता है मतलब अपने आप को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है नेक्स्ट देखिए वट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस एम पी एस आपके पास अगर कंप्यूटर है डेस्कटॉप है तो उसके अंदर एक सीपीयू के अंदर एक एस एम पी एस लगता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है स्टोरेज मॉड पावर सप्लाई स्विच मॉड पावर सप्लाई सिंपल मॉड पावर सप्लाई एंड ऑप्शन डी स्टोरेज मॉड पावर शॉर्टेज और ऑप्शन ही है नन ऑफ दीज कमल का आंसर है स्विच मॉड पावर सप्लाई बाकी आप सब क्या कहना चाहोगे एस एम पी एस की फुल फॉर्म क्या होगी स्विच मोड पावर सप्लाई मीशा गौतम ने आंसर किया है स्विच मोड पावर सप्लाई हां जी बाकी एसएमपीएस के बारे में दिव्या स्विच मोड पावर सप्लाई स्विच मोड पावर सप्लाई एक्जैक्टली दिव्या ने भी सेम आंसर रवि का भी सेम आंसर है अनिल का भी सेम आंसर है आशीष गुप्ता का भी सेम आंसर है ऑप्शन नंबर बी उन्होंने मार्क किया है उत्तरा सिंह बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी चलिए करेक्ट आंसर है आपका स्विच मोड पावर सप्लाई ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर कुमोद शर्मा आपका बिल्कुल सही आंसर बच्चे यहां पे एक्सप्लेनेशन अगर आप देखेंगे ए स्विच मोड पावर सप्लाई स्विचिंग मोड पावर सप्लाई और एसएमपीएस जिसको हम बोलते हैं इज एन इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई डेट यूज इज ए स्विचिंग रेगुलेटर ऑर्डर टू कंट्रोल दी कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन ए हाईली एफिशियंट मैनर तो ये आपको हर एक कंप्यूटर में आपको लगेगा सीपी में लगा हुआ मिल जाएगा एक बड़ा सा बॉक्स होता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा हांजी टू डिलीट दिलेक्टेड आइटम परमानेंटली विच ऑफ दॉर्टकट की कॉम्बिनेशन शुड बी यूज ऑप्शन है ऑल्ट प्लस डी स्विफ्ट प्लस डी स्विफ्ट प्लस डिलीट ऑल्ट प्लस डिलीट नन ऑफ दीज ये तो आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हो ओके okay. मिशा का आंसर आया है ऑल्ट प्लस टी डिलीट आदित्य यादव ऑप्शन सी ऑल्ट स्विफ्ट प्लस डिलीट पंकुर ने कहा है स्विफ्ट प्लस डिलीट कमल कह रहा है ऑल्ट प्लस डिलीट बिल्कुल प्रांकुर प्रांकुर नाम है आपका स्विफ्ट प्लस डिलीट उत्तरा सिंह कह रही है ऑल्ट प्लस डिलीट दिव्या ऑल्ट प्लस डिलीट अच्छा एक बार ही अगर किसी ने लैपटॉप ओपन कर रखा है तो किसी भी एक आइटम को सिलेक्ट करके ऑल्ट प्लस डिलीट प्रेस करके देखिए क्या होता है रवि चंद ऑल्ट प्लस डिलीट आप सब ऑल्ट प्लस डिलीट क्यों कह रहे हो ऑल्ट प्लस डिलीट क्यों कह रहे हो सब सी और स्विफ्ट प्लस डिलीट तो करेक्ट आंसर इसका क्या है फाइनली देखिए जिन्होंने भी कहा है Alt प्लस डिलीट वो सब गलत है सबका आंसर गलत है सिफ्ट प्लस डिलीट होता है कमल का भी आंसर गलत है अंकित बिल्कुल सही है आपका आंसर स्विफ्ट प्लस डिलीट ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन से जो एम के पूछे जाते हैं एम में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके उत्तरा सिंह सॉरी सॉरी इट्स ओके okay. उत्तरा ऐसा कुछ नहीं है सॉरी यहाँ पे मत लिखिए आप हम बस प्रैक्टिस कर रहे हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस कुछ इसको प्रैक्टिकली आप करके देखिएगा लैपटॉप कंप्यूटर पे आपको पता लगेगा स्विफ्ट प्लस डिलीट से क्या होता है बट उसको फिर आगे डिलीट मत कीजिएगा जो भी हो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर मॉनिटर मिशा गौतम इट्स ओके ऐसे नहीं उदास होना है हमें मंजिल हासिल करनी है अभी चलना है लंबा आउटपुट प्रंकुर वत्स ने कहा आउटपुट उत्तरा सिंह ऑप्शन ए आउटपुट मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है इनपुट है स्टोरेज है प्रोसेसिंग है मिशा आउटपुट 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 बिल्कुल कमल आउटपुट सलोनी गर्ग ऑप्शन ए आउटपुट आशीष गुप्ता बी आशीष हाउ इज ए मॉनिटर इज योर इनपुट डिवाइस मॉनिटर से कैसे इनपुट दे सकते हो आप द कंप्यूटर मॉनिटर अवंतिका सिंह आउटपुट बिल्कुल सही आंसर है आपका देखिए कंप्यूटर मॉनिटर क्या होता है एक आउटपुट डिवाइस होता है इट शोज यू दी स्क्रीन आप कोई भी डाटा लिख रहे हो तो वो आपको शो कर रहा है वो आउटपुट दे रहा है आपका ए कंप्यूटर मॉनिटर डिस्प्ले द प्रोसेस्ड इनपुट एज द आउटपुट सच एज इंफॉर्मेशन पिक्चर्स एंड वीडियो देयर फॉर ए मॉनिटर इज कॉल्ड एन आउटपुट डिवाइस मूवी देखते हो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो तो वो एक आउटपुट आपको देख रहा है आपने सर्च किया यूट्यूब के ऊपर लीगल पाठशाला तो आपकी स्क्रीन जो मोबाइल की है वो आपको एक आउटपुट निकाल के देगी हमारे यूट्यूब चैनल तो इसको हमेशा याद रखना कंप्यूटर मॉनिटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है ना कि इनपुट डिवाइस अंकित शर्मा बिल्कुल सही है आपका आउटपुट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मूविंग ए पैराग्राफ इन एम एस वर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कैन बी डन

बाकी क्या कहना चाहते हो प्राकुर पेस्ट कट एंड पेस्ट ओके ऑप्शन नंबर डी यू आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर डी प्राकुर जी बाकी कहां गए सारे एम एस वर्ड में किसी एक पैराग्राफ को मूव करना चाहते हो तो आप कौन सी कमांड को यूज करोगे सिलेक्ट कट एंड पेस्ट करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि मीशा और प्राकुर ने बिल्कुल सही बताया था uh, अंकित ने भी बिल्कुल ठीक कहा लेटर वर्ड और पैराग्राफ बाय फर्स्ट सेलेक्टिंग कटिंग इट एंड देन पेस्टिंग इट टू द इंटेंडेड लोकेशन ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टू प्रोटेक्ट यूर सिस्टम फ्रॉम कंप्यूटर यू मस्ट टर्न ऑन ऑप्शन ए फायरवेल स्क्रिप्ट वीएलसी अनदर सिस्टम एंड ऑप्शन ई इज़ इजन ऑफ दीज आशीष गुप्ता पूछ रहे हैं सर सीआरपीसी का एमसीक्यू कब से स्टार्ट होगा कर दे स्टार्ट सीआरपीसी का चलिए मैं एक बार ना पोल करवाता हूं अपने कम्युनिटी पेज पे वहां पे देखते हैं अगर बच्चे कहेंगे कि सर कर दो स्टार्ट तो कर देंगे सीआरपीसी का भी अदरवाइज नहीं करेंगे अभी तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए फायरवेल फायर वेल फायरवेल बिल्कुल 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 सबका बिल्कुल सही है नंदिनी जैन का ऑप्शन नंबर ए अब्दुल सईद सईद यस फायरवेल करेक्ट आंसर है आप सबका अनुराग ने भी कहा है ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर बिल्कुल तो फायरवेल well, एक बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स दी इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स it typically establishes a barrier between a trusted secure internal network and another outside network such as the internet that is assumed not to be secure or trusted. तो so, फायरवेल है जो आप अपने कंप्यूटर का ऑन करते हो लैपटॉप का ताकि हैकर्स उसको हैक ना कर सकें बट हैकर्स फिर भी हैक कर लेते हैं। चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The direct shortcut key for viewing the slideshow is जैसे आपने पावर पॉइंट कभी बनाई है प्रेजेंटेशन बनाई है पीपीटी कौन सी ऐसी कमांड है डायरेक्टली जिसको आप प्रेस करके पावर पॉइंट को चला सकते हैं कमल का कमेंट आया एफ टेन प्राकुर रहे हैं और बताइए मिशा गौतम एफ फाइव बी एफ फाइव एफ फाइव अवंतिका सिंह ने कहा एफ वन हाँ जी बाकी के स्टूडेंट्स जो एटीन स्टूडेंट वॉच कर रहे हैं अभी इसको वो क्या कहना चाहेंगे क्या आंसर है आपका हम आपकी राय जानना चाहते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग <laughs> चलिए बताइए जल्दी अनुराग कह रहे एफ फाइव होगा सर हाँ जी बाकी कोई रह तो नहीं गया ना सबके आंसर आ चुके हैं देखिए ज्यादा टाइम मत लीजिएगा हर एक क्वेश्चन के ऊपर पता है तो कमेंट कीजिए नहीं पता तो छोड़ दीजिए चलिए करेक्ट आंसर इसका एफ फाइव बिल्कुल अनुराग का बिल्कुल सही है कमल आपका गलत है बाकी ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स का सही है अवंतिका का भी गलत हो गया कोई बात नहीं देखिए दिस स्लाइड शो कैन बी व्यूड बाय क्लिकिंग ऑन द स्लाइड शो ऑप्शन एट द बॉटम राइट कॉर्नर इन द नॉर्मल व्यू इन द नॉर्मल व्यू अल्टरनेटिवली द फंक्शन की एफ फाइव कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो एंड इट बिगिन्स द स्लाइड शो फ्रॉम स्लाइड विच इज इन फ्रंट ऑफ द यूजर करेंटली तो एक चीज हमेशा याद रखनी है जो F5 आप प्रेस करेंगे वो फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग स्लाइड शो नहीं स्टार्ट करेगा वो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर करेंट स्लाइड से ही आपका स्लाइड शो स्टार्ट करेगा ना कि बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड से ठीक है बाकी आंसर काफी सारे स्टूडेंट्स का सही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच पेज हैजू बी विजिटेड इन ए ब्राउजर फॉर चेकिंग दास्ट विजिटेड पेजेस ऑन द इंटरनेट ऑप्शन है आपके इंडेक्स पेज हिस्ट्री पेज होम पेज डाउनलोड पेज ऑफ दिस किसी का गलत नहीं होना चाहिए आई होप ये सबका सही हो आप सबका मिशा गौतम ने कहा है सर ऑप्शन नंबर बी कमल ने कहा है ऑप्शन नंबर बी अवंतिका बी अनुराग भी बी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी नंदनी जैन ने कहा है हिस्ट्री आशीष गुप्ता ने कहा है ऑप्शन बी जो कि हिस्ट्री है आपका दिव्या महाजन हिस्ट्री पेज हिस्ट्री पेज बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. और तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हिस्ट्री पेज और द हिस्ट्री पेज द इंफॉर्मेशन ऑल द पेजेस एंड लिंक्स विजिटेड बाय द यूजर एंड ऑन मोस्ट ब्राउजर इट इज एक्सेस बाय कंट्रोल प्लस जे ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है आपको जो याद रखनी है कंट्रोल प्लस जे से डायरेक्टली आप हिस्ट्री पेज पे विजिट कर सकते हो कंट्रोल प्लस जे इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए कंट्रोल प्लस जे इज यूएस शॉर्ट कमांड टू एक्सेस हिस्ट्री पेज इन मोस्ट ऑफ द ब्राउजर्स अगर लैपटॉप ओपन है किसी का तो कंट्रोल प्लस जे एक बार दबा के देख लीजिए आपको डायरेक्ट हिस्ट्री पेज पे ले जाएगा अगर आपका ब्राउजर उसको उठा रहा है उस कमांड को तो नेक्स्ट देखिए हु इज नॉन एज द फादर ऑफ द इंटरनेट इंटरनेट तो हम सब यूज करते हैं बट हमें पता है क्या इंटरनेट के फादर कौन है नॉन एज दर ऑफ द इंटरनेट एलन टर्किंग हॉवर्ड एक्न विनिट शर्फ जे पी एस्कर्ट नन ऑफ दीज मिशा ने कहा है, सर ऑप्शन ए एलन टर्किंग इज द फादर ऑफ इंटरनेट नंदनी जैन ने भी कहा ऑप्शन नंबर ए प्राकुर वत्स कह रहे नन ऑफ दिज कोई भी इनमें से फादर नहीं है इंटरनेट का देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है अगर ये एम में आ जाता है क्वेश्चन तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको गलत करके आएंगे आशीष गुप्ता भी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दीज उत्तरा सिंह ने कहा है ऑप्शन नंबर सी विंसर्फ बाकी सारे स्टूडेंट्स का क्या कहना है ये बेसिक क्वेश्चन है और जब हम एम पी का एग्जाम देने जाएंगे हम सोचेंगे अरे इंटरनेट के फादर भी हैं और वो गलत हो जाएगा दिव्या महाजन ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रही है विनित सर्फ के साथ में मेगा गुप्ता ने कहा है ऑप्शन नंबर ए एल टर, टर्निंग बाकी क्या कहना चाहेंगे कमल आप क्या कहोगे बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कहेंगे इसके बारे में पारुल धमीजा ऑप्शन नंबर सी पारुल आप काफी लेट हो गए शायद टेन थर्टी पे थी हमारी क्लास चलिए कोई नहीं तो करेक्ट आंसर है आपके फादर ऑफ इंटरनेट क्योंकि ये पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी वेंट शर्फ जो है वो आपके फादर ऑफ इंटरनेट है इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क विच बिगन इन नाइनटीन फिफ्टीज इसको भी याद रखिएगा वेनिट सर्फ इज नॉन एज द फादर ऑफ द इंटरनेट हु टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल एंड आर्किटेक्चर ऑफ द इंटरनेट ही वाज़ प्रेजेंटेड यूएस नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी बाय प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इन 1997 ये आपका एक जीकी का क्वेश्चन भी यहाँ से हो गया अगर आप डी का एग्जाम देते हो तो फादर ऑफ इंटरनेट विंचर और उनको यूएस नेशनल मेडल फॉर टेक्नोलॉजी भी मिला है प्रेजिडेंट बिल क्लिंटन ने इनको नाइनटीन में प्रोवाइड किया था नेक्स्ट देखिए विच ऑफ of ऑफ कंप्यूटर्स इज designed टू रीड ई बुक्स क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्पेशली वर्ड लिखा हुआ है प्राकुर का आंसर आया किंडल काफी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत होगा लेकिन यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हो क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया स्पेशली डिजाइन बिल्कुल राखी सुपरस्टार वाह वो राखी नाम बड़ा अच्छा है आपका राखी सुपरस्टार ऑप्शन ए उत्तरा सिंह ऑप्शन ने नंदनी जैन ऑप्शन ए विनम्रता ऑप्शन ए आशीष गुप्ता भी कह रहे हैं किंडल बाकी सारे क्या कहना चाहोगे आप देखिए काफी जैसे अगर इस क्वेश्चन को आप पर्टिकुलरली ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आप इसका गलत करेंगे क्योंकि यहां पे वर्ड यूज किया गया स्पेशली डिजाइन टू तो रीड बुक्स तो अवंतिका ने भी कहा है सर ऑप्शन नंबर ए एंड कमल भी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए किंडल तो करेक्ट आंसर है आपका किंडल किंडल एक अमेजन का डिवाइस है उसको आप लेके ई e बुक्स को रीड कर सकते हैं किंडल इज ए स्मॉल हैंड हेल्थ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर रीडिंग बुक्स हैज डेवलप्ड बाई ऑनलाइन रिटेलर अमेजन रेदर एज यू डाउनलोड एन आई पोड और एम पी थ्री प्लेयर विद म्यूजिक यू डाउनलोड बुक्स वाई वायरलेस टेक्नोलॉजी ऑन टू ए किंडल एंड रीड दैम ऑन इट बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है इसको बाई कीजिए और अपनी जितनी भी ये आपकी लो के बेरक्ट है सारे उसके अंदर पी डी एफ फॉर्म में डाल लीजिए उसको पढ़ते रहिए आराम से एक सिर्फ किंडल कैरी करना है आपको ज़्यादा बुक्स नहीं कैरी करनी उसमें हाईलाइट कर सकते हो आप नोट्स बना सकते हो मीशा गौप्त तो बिल्कुल सही है आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए किंडल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अरे चलिए दिस इज फॉर ऑल अबाउट टूडे यहीं पे होती है हमारी आज की कंप्यूटर की क्लास ख़त्म अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं आप लोगों की क्या राय है कंप्यूटर सीरीज के रिगार्डिंग या फिर कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर सी सी की स्टार्ट कीजिए क्या कहना चाहते हो आप सब मतलब स्टार्ट करना चाहिए सीआरपीसी का हमें या कुछ और सब्जेक्ट हम एम सी क्यू जैसे लाइव क्लास स्टार्ट करें लाइव टेस्ट विनर्म्रता कह रही कि सर सीआरपीसी की सीरीज स्टार्ट कीजिए बाकी आप सब क्या कहोगे सीआरपीसी यस और नो अच्छा आप में से कोई स्टूडेंट जुडिशरी की कोचिंग लेना चाहता ऑनलाइन तो हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकता है सर एनी टाइम टेबल है। टेबलेट फॉर एम पी जी एस यस आशीष गुप्ता यस दिव्या यस सर सी आर पी सी की सीरीज़ भी होनी चाहिए यस सर स्टार्ट सी आर पी सी चलिए फिर नेक्स्ट संडे हम सेम टाइमिंग पे टेन थर्टी पर सी आर पी सी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एम पी जी एस के लिए इंपॉर्टेंट है या ओवरऑल जुडिश्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट संडे टाइमिंग सेम रहेगी टेन थर्टी जितने भी क्वेश्चन होंगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पूरे ओवरऑल सी आर पी सी से तो उसके लिए प्रिपेयर होकर आइएगा बाकी मैं पोल भी करवा लूँगा कम्युनिटी टैब के ऊपर वहाँ पे अगर बच्चों का रिस्पांस अच्छा रहा तो हम बिल्कुल ज़रूर कंडक्ट करेंगे और एक हमारा एम का मॉक टेस्ट रहता है वो कंडक्ट नहीं हो पाया था जब पहले हमने कोशिश की थी कंडक्ट करवाने की नहीं हो पाया था एम का मॉक टेस्ट भी हम कंडक्ट करवाएंगे जिसके अंदर पूरा एम का जो आपका एक एग्ज़ाम एक टाइप का पैटर्न होता है उसी प्रकार से हम क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं कंप्यूटर जी के बाकी जैसे जैसे मार्क्स के वहाँ पे डिवाइडेड क्वेश्चन है उसी प्रकार से जोगिंदर सिंह यस सर सी चलिए सीआरपीसी की नेक्स्ट संडे ठीक है ना नेक्स्ट संडे टाइमिंग सही है यस सर सी एंड सीपीसी मिशा पहले सीआरपीसी करते हैं, फिर सीपीसी हम स्टार्ट करेंगे ठीक है चलिए और आप में से कोई भी हमसे जुड़ना चाहता है ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए कंप्लीट आप स्टेट वाइज ले सकते हो या फिर आप सिंगल सब्जेक्ट भी हमसे पढ़ना चाहते हो जुडिशरी के लिए वो भी आप हमसे ज्वाइन कर सकते हो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे को मिलते हैं लाइव और बाकी आपको करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहेंगी रेगुलर बेसिस पे जैसे जैसे हम अपडेट कर रहे हैं आपको करंट अफेयर की वीडियो डेली बेसिस पे मिलेंगी डीजीएस दिल्ली जुडिशरी के लिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट है एमपी के अंदर भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं काफ़ी बार बिहार यूपी काफी सारे स्टेट्स हैं जहाँ करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर jenny see you